मेरा नाम रिम्पी छाबड़ा है, मैं चंबा हिमाचल प्रदेश से हूँ। बेसिकली मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन हैं। मेरी लाइफ में बहुत से दिव्य अनुभव हुए हैं, उनमें से मैं आपसे एक शेयर करने के लिए जा रही हूँ। बात 2020 पीरियड्स की है। उस समय लॉकडाउन पीरियड हो था और जो है मुझे एक दिन चक्कर आ जाता है और मैं अनकॉन्शियस होके गिर जाती हूँ। फिर मैं स्टेबल होने के बाद दो दिन बाद फिर मुझे ऐसे ही चक्कर आता है और मैं अनकॉन्शियस हो जाती हूँ। मुझे डॉक्टर को दिखाया गया और डॉक्टर ने कहा कि मुझे जो है एंग्जाइटी अटैक आ रहा है। चंबा के बाहर भी मेरा ट्रीटमेंट हुआ और देहरादून भी मेरा ट्रीटमेंट चला। इन एंग्जाइटी अटैक की वजह से जो है मेरे को हैंड जो है मेरा वाइब्रेट होता रहता था और मेरी होल्डिंग पावर बिल्कुल भी नहीं थी। मैं मेडिसिन पे तो थी ही। एक दिन मेरी लाइफ में यू टर्न आता है और मैं गोलक एक्सप्रेस से जुड़ जाती हूँ। उस समय मिड सेशन चल रहा था, मुझे समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, पर मेरे मेंटर्स के कहने पर मैं उसमें इम्प्लीमेंट करने लगी और मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से मैं भोग लगाने लगी, जाप करने लगी और माला करने लगी। माला तो मुझसे होती नहीं थी, एक ही माला बड़ी मुश्किल से होती थी जिससे मेरा हाथ जो है बहुत पेनफुल रहता था। पर धीरे धीरे मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ने लगी, नाम जाप बढ़ने लगा। उससे मैं क्या देखती हूँ कि मेरे हाथ में जो है वाइब्रेशन जो है डे बाई डे कम हो रही है। और वाइब्रेशन कम होने की वजह से और मैं जो मेडिसिन लेती थी वो मैंने धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दी और मुझे साक्षात हरि के दर्शन हुए। मेरा जो है हाथ जो है धीरे धीरे वाइब्रेशन ख़त्म हो गई और होल्डिंग पावर स्टार्ट हो गई और मैंने धीरे धीरे मेडिसिन भी छोड़ दी। आज पूरे 1.5 साल हो रहा है और मुझे साक्षात हरि के दर्शन हुए और मुझे जो है मेडिसिन मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अंत में बस मैं इतना कहना चाहूँगी, न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो प्रभु आश्रित है, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी बोल,